नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हंडेड न्यूज। शाहजहांपुर के ब्लॉक भावलखेड़ा पंचम वार्ड से महिला प्रत्याशी श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी लल्ला सिंह से हमारे संवाददाता शुभम श्रीवास्तव ने की खास बातचीत। मीडिया हंडेड की टीम पहुंची है ग्राम पंचायत जपनापुर के ग्राम में मुकरमपुर में। जो मुकरमपुर में आज हम दौरे के दौरान एक मामला देखते हैं, चुनावी मैदान में जो है वो लल्ला सिंह यादव जी की मैसेज उतर चुकी हैं और वो इस समय चुनावी मैदान में है। पूरी तरह क्या जनता का माहौल है और क्या जनता चाहती है और नेताजी का क्या कहना है, लल्ला सिंह यादव जी का क्या कुछ करवाएंगे अपनी जनता के लिए और क्या कुछ कर दिखाएंगे। दावे तो बहुत लोग करते हैं लेकिन आज लल्ला सिंह की कुछ जुबानी सुनते हैं। क्या है मामला और किस तरीके से आपने किससे प्रेरणा मिली आप जो खड़े हुए और क्या करेंगे जनता के लिए? देखिए, प्रेरणा की बात ऐसी है कि मैं बहुत पहले से ही बचपन से मेरे हृदय में एक भावना रहती है कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर मैं भाग लूँ। जब मैंने ऐसा किया तब जनता से आवाज़ आई कि आप चुनाव में खड़े हों और आप जो हैं अच्छी सेवा कर सकते हैं जनता की। तो मैंने अपनी अभी महिला सीट हो गई तो मैंने अपनी धर्मपत्नी को जिला पंचायत भावलखेड़ा पंचम वार्ड से मैदान में उतारा है, जिससे हमें जनता का बहुत सारा जो है आशीर्वाद और जो है शुभकामनाएँ प्राप्त हो रही हैं। तो ये अगर कहें कि तो हो सकता है आपका मन नहीं है, जनता का ही मन था क्या? बिल्कुल, ये जनता ने ही तय किया था कि मास्टर साहब आप जो हैं चुनाव लड़ें। वाकई अगर आप होते हैं तो जनता के लिए क्या सुख सुविधाएं देंगे? देखिए, सुख सुविधाएं मेरी पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा और दूसरी होगी स्वास्थ्य और तीसरी होगी जो ग्रामीण क्षेत्र में आप जाते हैं देखते होंगे कि अब भी जो है पुराने वही कच्ची राहें और खंजड़े। अगर मैं जीता और तो ये जो आप देख रहे हैं खंजड़े पड़े हुए हैं ये सारे जो हैं इंटरलॉकिंग में करवा दूंगा। वाकई इंटरलॉकिंग में आप तब्दील करवा देंगे, ये आपका वादा है। तो इससे तो बहुत काफ़ी दिक्कतें थी, बहुत दुनका पड़ा हुआ है। आप अगर होते हैं तो अपने ही गाँव में डेवलपमेंट करवाएंगे या कोई दूसरा गाँव भी आपके लगते हैं उनमें भी? नहीं, हमारा संपूर्ण क्षेत्र में मैं विकास कराऊँगा। हमारा जो है हर गाँव अपना है, हम जो है हमारी जनता जो है वो हमारी अपनी है, कोई एक गांव एक क्षेत्र नहीं होता है, समाज में सभी एक समान मैं मानता हूं। आप जनता से क्या अपील करेंगे? हमारी जनता से यही अपील है कि हमको अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से चुनाव जिताएं, जिससे कि मैं उसके सुख दुख हर कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग ले सकूँ और उसकी हर समस्या का समाधान निकाल सकूँ। आपने अभी कहा क्षेत्र में, मैं क्षेत्र में ऐसा कोई भी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं 5 साल के लिए चुना जाऊं तो उसके बाद में लोग मेरा नाम लें और हर गांव को दूसरे गांव से एक ऐसे रोडों से जोड़ने का प्रयास करूंगा जिससे कि दूसरे गांव में जाने में मात्र 10 या 5 मिनट का समय लगे। तो आपने देखा एक शिक्षित व्यक्ति कुछ भी करवा सकता है अगर करना चाहे तो। तो वहीं से हमने लल्ला सिंह से बात की और उन्होंने जिस तरीके से जनता के लिए क्या कहा है और वो क्या कुछ करेंगे वो चुनाव जीतने के बाद ही पता लगेगा। सिंह जी से बात, जो कि मीडिया हंड्रेड की टीम से, उन्होंने क्या कुछ बताया, अब यहाँ के कुछ लोग भी हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कुछ कहते हैं अब हम जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजीव श्रीवास्तव। राजीव श्रीवास्तव, अरे वाह। सो एक तरफ शुभम श्रीवास्तव, एक तरफ ग्रामीण राजीव श्रीवास्तव जी। राजीव श्रीवास्तव जी, क्या कुछ जो उन्होंने वादे किए हैं कि वो रोड बनवाएंगे, सुख सुविधा में खड़े होंगे और लोगों का हर तरीके से सहयोग करेंगे, आप तो कहाँ तक लगता है कि ये सब कर पाएंगे वो? नहीं, बिल्कुल कर पाएंगे। कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। तो आप पूरी उम्मीद से ये बात कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे साथ दूसरे एक लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या भैया यादव, लल्ला सिंह यादव जी की मैसेज खड़ी है, आप उन्हें किस तरीके से समर्थन करेंगे? पूरी बहुमत से समर्थन करूंगा और मेरी बहुत मतलब शुभकामनाएं उनके साथ में। आपको अगर 10 नंबर दिए जाए तो उन्हें कितने नंबर दोगे? 100% चुनने के मैं तैयार हूँ। और प्रत्याशी आपकी नज़र में नहीं है क्या? नहीं, बहुत से तो सारे लोग तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो दिल किसको दे बैठे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लल्ला सिंह यादव जी को? जी जी। अच्छा अच्छा। अब हमारे साथ क्या नाम है आपका? राम गोपाल। राम गोपाल जी, हम जानेंगे कि आपके गांव में विकास सबसे ज़्यादा करने वाले लल्ला सिंह ने बड़े वादे किए हैं, तो आप किसको समर्थन अपना देना चाहेंगे? लल्ला सिंह को देंगे भाई। अच्छा, तो पूरी तरीके से मदद करेंगे। और क्या? तो हमने देखा कि हमारी मीडिया हंड्रेड टीम ने आज जो पड़ताल की है जी, कुछ बता रहे हैं आप? क्या बताएं आप? क्या है आप कुछ कह रहे थे अभी? हम कह रहे हैं कि मान लो मेरे पड़ोसी हैं। नहीं तो पड़ोसी के नाते दे रहे हैं या विकास के ऊपर बोल के लिए दे रहे हैं, कह रहे हैं भाई? तो हाँ, देखा कि शिक्षित आदमी के साथ हर आदमी होता है।
पूरी तरीके से यहाँ की जनता हमने पड़ताल की। एक और बाबा जी है हमारे साथ, भैया क्या नाम है आपका? सुधीर नाम है। सुधीर। सुधीर जी कहाँ के रहने वाले हैं? शाहगंज के। शाहगंज के। चुनावी मैदान में ये लल्ला सिंह जी यादव जी की लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, कैसे व्यक्ति हैं? मैं अच्छे व्यक्ति हैं। है? अच्छे हैं। तो मतलब हर आदमी अच्छा ही अच्छा कर रहा है, क्या करेंगे? विकास करेंगे? विकास करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपने देखा कि आज वाकई मीडिया 100 की टीम आई तो लल्ला सिंह यादव जी का पूर्ण बहुमत से यहाँ पर हर आदमी समर्थन कर रहा है और हर तरीके से चाह रहा है कि वो हमारे अच्छे नेता हैं, वही विकास करेंगे। उत्तम प्रदेश बनाने के लिए लल्ला सिंह यादव जनता की नज़र में ठीक है। मीडिया 100 की टीम में अपनी पड़ताल की। मीडिया 100 न्यूज़ के लिए शाहजहांपुर से शुभम श्रीवास्तव।